हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो राइट नाउ इट इज़ 5:50 इन द मॉर्निंग। अभी सो कर उठा हूँ जस्ट। ये यहाँ पे ब्रेकफास्ट रखा है, हैविंग माय ब्रेकफास्ट राइट नाउ। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम निकलेंगे यहाँ से। जो है थोड़ा जाना मुझे कहीं काम वाम से। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, शुड यू वर्क ऑन कैश और ऑन सिन ड्यूरिंग योर स्टूडेंट लाइफ। तो ये वीडियो जो अभी बच्चे आ रहे हैं, जो इस जनवरी के बाद आए हैं, उनके लिए, क्योंकि यहाँ के गवर्नमेंट ने जो बच्चे पिछले साल अक्टूबर 7, 2022 से पहले यहाँ थे या उन्होंने फाइल लगा दी थी, दे वर एलिजिबल टू वर्क फुल टाइम। बट उसके बाद फिर वही 20 आवर का रेस्ट्रिक्शन आ गया था, तब से फिर जो है कैश जॉब्स फिर हैव स्टार्टेड टू पिक अप। तो उसके बारे में बात करेंगे भाई, और ये भी बात करेंगे कि इज इट लीगल और इलीगल। तो पहले मैं ज़रा ये खावा लूँ और मेरे को जहाँ के लिए निकलना है निकलूँ मैं, फिर आपसे जो है सोना बाबू बन के मिलेंगे। तो लेट्स गेट द डे स्टार्टेड। हाँ जी, तो बढ़िया एकदम सोना बाबू बन के बाहर आ चुके हैं। बैकग्राउंड अब थोड़े दिन सेम ही रहेगा, आई गेस थोड़े जो समझदार होंगे वो फिगर आउट कर लेंगे, बट लेट इट बी। तो भाई आज की बात कर लेते हैं अब कैश जॉब्स वर्सेस सिन जॉब। तो एज आई टोल्ड यू कि भाई फाउंडेशन में मेरा काम करना अलाउड नहीं है, बट हाँ जो अब बच्चे नए आ रहे हैं उनके लिए 20 घंटे की गाइडलाइंस हो गई है। जो अक्टूबर 7 से पहले आए थे सिर्फ उन्हें ही अलाउड है फुल टाइम काम करना। तो अजीब गवर्नमेंट है भाई यहाँ की, कुछ कह नहीं सकते। तो अब उन बच्चों के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि फिर 20 घंटे में फीसें निकलने से तो रही भाई दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो फीस निकालने के लिए फिर आपको कैश पे काम जो भी है, मतलब जो भी तरीके हैं। उसके बाद वही बात आती है कैश की, सिन की। पहले सिन की बात कर लेते हैं। सिन पे आपको जो है जो भी मिनिमम वेज है वो तो मिलेगी ही मिलेगी, दैट इज़ 16, 16.5 सम डॉलर जो है यहाँ पे अभी बढ़ा दिया, 15.60 थी 16.60 कर दिया है गैस। तो वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, प्लस आपको उस पर जो है टैक्स वगैरह देना पड़ेगा, और जो आपको एम्प्लॉय करेगा, मतलब जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा उसको गवर्नमेंट को सारा डिस्क्लोज करना है। एक एक घंटे का हिसाब जाता है सिन में, और मिनिमम वेज से नीचे वो आपसे काम नहीं करा सकते, दैट इज़ इलीगल। ठीक है, अब सेकंड बात जो है, फिर आपको एट ईयर एंड टैक्स फाइल करना है अपना, टैक्स बेनिफिट और वो सब आपको सारी चीज़ें पता ही है। तो उसके बाद अब बात कर लेते हैं कैश जॉब की, टॉपिक ऑफ द डे जो है। तो कैश जॉब्स में क्या है भाई कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैश जॉब कौन देगा और कौन नहीं। तो कैश जॉब आपको यहाँ पे गोरे तो बिल्कुल नहीं देंगे भाई, गोरे अपनी कम्युनिटी में देते हो तो देते हो, पर वैसे नहीं देंगे आपको, क्योंकि दे आर स्केर्ड और थोड़े से ऑनेस्ट टाइप पीपल होते हैं। मेरा एक प्रोफेसर भी कहता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है ना, तो वो मतलब एक प्रोफेसर है मेरे, तो वो ये बताते हैं कि भाई मतलब ये इतना ऑनेस्ट बनाते हैं बच्चों को बचपन से, कि एक बच्चे को अगर कुछ नहीं आता ना तो वो दूसरे की शीट में नहीं देखेगा, वो जीरो ले लेगा अपने पेपर में। तो मैंने कहा ये सर ऐसी ऑनेस्टी तो बेकार की है फिर, ये तो किसी काम की है नहीं। तो भाई दूसरी चीज़ फिर उसके बाद जो है आपको कैश जॉब देंगे यहाँ पे अपने ही बंदे, इंडियंस ही देंगे, मोस्टली इंडियंस देंगे, और रेस्टोरेंट्स, वेयर हाउस, कंस्ट्रक्शन जॉब, ये सब आपको मिल जाएंगी कैश पे इजीली। बट कैश का डिसएडवांटेज क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा, कैश पे आपको मिनिमम वेज से हमेशा कम ही मिलेगा, लेट से $10, $12, $11, मतलब 10 मिनिमम वेज से कम ही मिलेगा। पर कैश पे काम करना एक तरह से इलीगल ही है, बिकॉज भाई आप 20 घंटे की लिमिट अपनी एक्सीड करोगे तभी कैश के लिए जॉब देखोगे, वैसे तो देखोगे नहीं। और यही है, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि भाई सबका अपना अपना वो है, करो ना करो दैट इज़ योर कॉल, मिलती है करो नहीं मिलती तो दैट इज़ अप टू यू भाई, उसमें किसी का कोई से नहीं है, पर्सनल चॉइसेस है। ढूंढे कैसे भाई यहाँ वैंकूवर शरी ये सब भाई, तो आप जाओ लोगों से बात करो, कम्युनिकेशन इज़ द की, जैसे मैं अपनी वीडियो में कहता हूँ बहुत बार, जाओ अपना लोगों से मिलो, अलग अलग जाके बात करो, जो इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं उनमें बात करो, और मतलब बात करोगे लोगों से तभी कुछ फिगर आउट होगा, क्योंकि भाई बिना बात करे कुछ नहीं है। आप घर पे बैठ के तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना, बर्बाद हो जाओगे घर बैठे बैठे, डिप्रेशन में चले जाओगे, वो वाला हाल है। कैश जॉब से ये है कि आपको एक्सप्लॉयटेशन बहुत है, उस हिसाब से पैसे नहीं मिलते यहाँ पे। और सिन पे ये है कि आपको मिनिमम वेज तो मिलेगी मिलेगी, उसके बाद जो भी है जैसे भी है वो उनकी मर्जी है। बेनिफिट है कि भाई मतलब आप साइड में अपना पैसे कमा सकते हो, और 20 घंटे काम करके किसका ही वो चलता है भाई, 20 घंटे से फीस नहीं निकलती, तो आपको करना ही पड़ेगा, मतलब यू विल हैव टू लुक फॉर इट। बाकी मिले ना मिले दैट इज़ योर लक, सबका अपना अपना वो है भाई, किसको क्या है।
बाकी मैं पर्सनली कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ दैट रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि अभी तो मेरे को अलाउड ही नहीं है काम करना, तो मैं कर ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई जॉब ढूंढना कैश पे मुश्किल नहीं है भाई, बट ये है कि यू हैव टू कम्युनिकेट। प्लस अपना जाओ डाउनटाउन साइड, बहुत रेस्टोरेंट्स हैं, वो आपको दे देंगे। एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि भाई कैश जॉब्स पे डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो डिसएडवांटेजेस यही है कि भाई अगर पकड़े जाओगे तो डिपोर्टेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि मतलब सीधा चक के बाहर मारना है इन्होंने, वो वाली गल है, मतलब वो वाली बात है भाई। पकड़ा भी वही जाता है, द वन हु इज़ यू नो हैविंग अ लूज टंग, तो उसी के साथ ड्रामे होते हैं। कर भी रहे हो तो कीप इट टू योर सेल्फ, ज़्यादा नाचो मत, ठीक है। और बाकी कैश को कैश ही रखो, अपने अकाउंट में मत ही डालो तो ज़्यादा ठीक है। वो अब माँ है आपकी जो आपसे हर एक रुपए का हिसाब मांगेगी यहाँ पे कि कहाँ से आया, तो अपने पास ही रखो अपना पैसा, सिन पे नहीं होता, कैश पे। मोस्टली बच्चा यहाँ पे कैश पे काम करता ही है। अब जो फुल टाइम कर रहे हैं उन्हें ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए थोड़ी जॉब्स भी कम हो गई थी कैश की, पर अब जो अब नया बच्चा आ रहा है उनको ज़रूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में भाई। तो दैट्स व्हाई अपना कैश पे देखो जुगाड़ जैसे भी है। कैश इज़ गुड ब्रो, बट इट इज़ इलीगल, तो आपको अपने बंदे ही देंगे। अंग्रेज भी देते हैं तो अपनी कम्युनिटी में देते हैं, ज़्यादा वो प्रेफर नहीं करते। बट हाँ भाई, ऐसे सबका अपना अपना जुगाड़ है, जिसका जहाँ सूत बैठ जाए लगे रहो भाई, क्योंकि अभी जॉब मार्केट थोड़ी सी हल्की है ही, तो अगर कुछ काम मिल रहा है तो करो। और अगर आपके पास कोई भी जॉब नहीं है तो भाई अपना ऊबर ईट्स डोर डैश पे अकाउंट बनाओ, एक साइकिल लो और चालू हो जाओ। खाली बैठने से कुछ नहीं होगा, लगे रहो, जितने लोगों से मिलोगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो डू ऊबर ईट्स, डू डोर डैश, यू विल मेक गुड मनी आउट ऑफ इट। तो यही बात है, बस रखेंगे, बाकी इस वीडियो को इतने ही रखेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।